आज मैं मौजूद हूँ बाबू साबू इंटरचेंज के ऊपर। तो देख ले कितना खूबसूरत पार्क है, वैसे भी बहुत अच्छा मौसम है इस वक्त। तो भाई मेरे साथ मौजूद हैं टिकटॉकर हैं, इनके काफ़ी फॉलोअर थे टिकटॉक के ऊपर, तो टिकटॉक हो चुका है बैन। इनसे पूछते हैं कि इनको क्या फील होता है, टिकटॉक क्यों बैन हुआ है, इनसे बात करते हैं। तो अभी भाई से पूछेंगे, और वीडियो कंप्लीट देखना और वीडियो को लाइक लाजमी कर देना, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ख़ास तौर पर टिकटॉकर ज़रूर देखें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो भाई? ठीक। अच्छा, आप टिकटॉक बनाते थे? जी। कितनी देर से बना रहे थे? कम से कम 2 साल हो गए हैं। कितने फॉलोअर थे आपके टिकटॉक के ऊपर? ये कितने हैं बता दें यार। 4,000 फॉलोअर था। 7,000 फॉलोअर जी। ये दोनों दोस्त हैं? आप दोनों दोस्त हैं? जी दोस्त हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इनके 7,000 फॉलोअर थे, ठीक हो गया जी। अब टिकटॉक क्यों बैन करता है वीडियो, इनसे पूछते हैं ऐसी क्या वीडियो लगाते हैं, ये कौन सी वीडियो लगाते थे, इनसे बात करते हैं हम कि इंटरटेनमेंट की लगाते थे या फिर सलोमो वाली वीडियोस लगाते थे या ड्यूट करते थे, ज़्यादा कैसे इनकी वीडियो चलती थी? ज़्यादा हमारी वीडियो चलती स्लोमो, स्लोमो मिडिल लगाते थे ना, ज़्यादा हमको लाइक फॉलोअर आते थे, स्लोमो ज़्यादा यूज़ करते थे। अच्छा, टिकटॉक को आपको टिकटॉक ऐप यूज़ करने का कैसे शौक आया, क्या फेमस होना था? क्या फेमस होना था हमने? ठीक है, तो फेमस होने के लिए और भी बहुत सारी ऐप्स हैं। अच्छा, टिकटॉक बैन हो चुकी है, आपको क्या फील हो रहा है, मतलब आपकी इतनी सारी वीडियोस, कितनी वीडियोस थी हमारी की वीडियोस आज के 7-8 हज़ार वीडियो इतनी आए थे जी। आप खुद अंदाज़ा लगा लें, इस भाई ने 7-8 हज़ार वीडियो टिकटॉक के ऊपर पोस्ट की है और टिकटॉक वालों ने क्या किया है कि टिकटॉक को बैन कर दिया। आप खुद अंदाज़ा लगा लें, इस भाई से पूछते हैं इसकी कैफियत क्या है कि इतना वीडियोज़ डालने के बाद अगर बैन हो जाए तो क्या होता है। मेरा दिल टूट गया था। ओहो, दिल टूट गया भाई का, ये देखें बताता है कुछ के भी, इतने फॉलोअर्स हैं हमारे, इतनी मेहनत की है हमने, आखिर ऐसा क्यों होता है, किस वजह से होता है। नीचे आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगर कोई भी आपका सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में करें और आपका हम इंटरव्यू लेंगे। अच्छा, आप लाहौर के रहने वाले हैं? जी। कौन सी सिटी से, मतलब कौन से इलाके से हैं? शेरागोद। ठीक है, शेरागोद से। इधर घूमने के लिए आए थे या टिकटॉक बनाने के? टिकटॉक बनाने के लिए। टिकटॉक बनाने के लिए आए थे, ठीक हो गया। कितनी टिकटॉक बनाई है आपने? ये 7। टिकटॉक तो फिलहाल अभी बैन हो चुका है, ठीक है, तो क्या इसके बाद लाइक पर, जब मैं इसके साथ बात करूँ ना फिर आपने बात करनी है। अच्छा, आप लाइक ही यूज़ कर रहे हैं? जी। ठीक हो गया, लाइक ही यूज़ कर रहे हैं, लाइक पे भी इसी तरह मेहनत करते हैं? लाइक भी बेचते हैं, इंशाल्लाह मेहनत करते हैं जी। हाँ, तो ये देखें इनका जो है ना मेन मकसद है जी, हम फेमस हो जाएं। तो इधर और भी भाई हैं, उनसे ही पूछते हैं, करते हैं सवाल जवाब उनसे कि टिकटॉक बैन हुई है, उनको कैसा फील हो रहा है, तो बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सर, आप टिकटॉक यूज़ करते थे? नहीं यूज़ करते। अच्छा, टिकटॉक बैन हुई है तो आपका क्या कहना है टिकटॉक बारे में, कि मतलब बैन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यार होनी चाहिए, टिकटॉक बैन होनी चाहिए। अच्छा, उसकी मेन वजह क्या है, मतलब क्यों बैन होनी चाहिए? क्योंकि जैसा कि कुछ लोगों के इख्तलाफात होते हैं ना, कभी बैन होनी चाहिए, कुछ कहते हैं कि ये चलनी चाहिए। तो अभी ये दोस्त हैं ना इधर, ये भी टिकटॉक बनाते थे, 7,000 इनकी वीडियो थी, काफ़ी मेहनत की इन्होंने, 7,000 इनका फॉलोअर था। तो मतलब आप यूज़ नहीं करते हैं, आप कहते हैं कि बैन होनी चाहिए, मतलब किस वजह से होनी चाहिए ये भी बता दें। यार खल यार लोग जो है ना वो गलत गलत वीडियो देते हैं। ठीक है, यानी कि फैमिली के देखने वाली वो टिकटॉक थी, लेकिन अब वो फैमिली नहीं देख सकती? हाँ, नहीं देख सकती। ठीक है, ये आपके कहने का मतलब है कि वो गलत वीडियोस पोस्ट होती है, इसी वजह से वो बैन हो जाती है। हाँ वही। तो आप लोगों को क्या पैगाम देंगे कि अगर दोबारा ओपन हो तो उनको क्या करना चाहिए? यार नहीं करना चाहिए दोबारा। ठीक है, और सुनाएं, आप मतलब इधर घूमने के लिए आए हुए हैं? हाँ घूमने के लिए। अच्छा, इधर के मुकामी रहिए? हाँ मुकामी। ठीक हो गया, ओके जी, थैंक यू, शुक्रिया जी। तो जैसा कि भाइयों ने इंटरव्यू दिया, और देखें जब भी टिकटॉक बैन होती है तो इसी वजह से होती है कि आप कंटेंट अच्छा नहीं पोस्ट कर पाते, उनकी स्ट्राइक जो पड़ती है आपको, उनकी जो कम्युनिटी गाइडलाइन होती है उसके खिलाफ आप नहीं चल, मतलब उनकी खिलाफ वर्जी करते हैं, इसी वजह से ये टिकटॉक बैन हो जाती है। तो आगे हम और भी देखते हैं, अगर कोई दोस्त इधर है तो उनसे बात करते हैं। ये देखें सामने इंटरचेंज, बाबू साहब इंटरचेंज पे हम इस वक्त पार्क के लिए जो है ना पार्क में घूमने के लिए आए हुए थे, हमने सोचा कि जी वीडियो बना ली जाए, दोस्तों को भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो आइए आपको थोड़ा सा पार्क घुमाते हैं, आप भी आ जाएं साथ भाई।
अच्छा आप कब से मतलब इस पार्क में आते जाते हैं, कब से बना है ये? डेढ़ साल हो गए। एक डेढ़ साल हो गए, आ जाए साथ साथ आते जाए। तो ये देखें कितना अच्छा और खूबसूरत पार्क है। अच्छा, जो लाहौर के बाहर वाले लोग इस वक्त देख रहे हैं, लाहौर के बाहर वाले लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, तो अगर वो इधर आते हैं तो बाबू साबू इंटरचेंज के ये पार्क है ये देख लें, बहुत खूबसूरत है। ठीक होगा जी। अच्छा, अब टिकटॉक ओपन हो जाती है, कैसी वीडियोस पोस्ट करेंगे आप? यही अच्छी अच्छी स्लमों में। कैमरामैन ज़रा सामने आ जाए उधर, क्योंकि साइड पे तो नज़र नहीं आ रहा। तो ये दिखाएं ज़रा व्यूवर को, तो ये देख लें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी इंफॉर्मेशन भी अच्छी लगती होगी, जैसा कि भाई बहुत मेहनत करते थे। तो कोशिश है कि टिकटॉक अनबैन हो जाए। तो वो बोल रहे हैं कि भाई हम कोई खिलाफवर्जी नहीं करते कम्युनिटी गाइडलाइन की। कभी पोस्ट भी ब्लॉक हुई है आपकी? पोस्ट एक दफ़ा ब्लॉक हुई थी, फिर वो पैसे दे के हमने चालू कराई थी। पैसे देकर चालू करवाई थी? किसको पैसे दिए थे? वो दोस्त है हमारा, उसको पता है इसका। मेरी बात सुने, आपने ये किसी को पैसे नहीं देने, आपकी पोस्ट ब्लॉक हो जाती है, उसी के अंदर सब कुछ हेल्पलाइन होती है, हेल्प सेंटर होता है, आप उस पर रابطہ कर सकते हैं, वो आपकी पोस्ट 24 घंटे के अंदर अनब्लॉक कर देते हैं। अगर आपको कोई बोले ना कि भाई हम आपको पैसे देते हैं, आपकी पोस्ट अनब्लॉक करवा देंगे, उनके पास इसका कोई होल्ड नहीं होता है, ये डायरेक्ट PTA की तरफ से होती है। और ठीक है, आपको पता नहीं था। ये देखें, भाई ने अपनी टिकटॉक की लगन की खातर इन्होंने पैसे देकर उसे उसकी पोस्ट अनबैन करवाई, फिर से वो पोस्ट बैन हो गई थी, अब टिकटॉक ही बैन हो चुकी है। तो ये देखिए सामने ट्रैफिक आ रही है इस वक्त, आपको व्यू भी दिखा रहे हैं आपको। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक किया करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया करें। कोई भी आपके कॉमेंट में मतलब जो भी सवाल जहन में आ रहा है नीचे कॉमेंट बॉक्स में करें, हम उसका ज़रूर आपको जवाब देंगे। ओके भाई, थैंक यू, शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं? टिकटॉक जो यूज़ कर रहे हैं, हम उसको ये कहना चाहेंगे अच्छी वीडियो भेजो ताकि टिकटॉक बैन ना हो, ये हम उसको कह सकते हैं, गुजारिश करते हैं उससे। ये भाई लाहौर के रहने वाले हैं, शेराकोट की इनकी रहायश है। ठीक हो गया जी। बहुत मेहनत कर रहे हैं, अभी भी हम इधर आए तो ये टिकटॉक बना रहे थे, वैसे भी मतलब स्नैक पर काम करते हैं जो कोई कभी करते हैं। तो ये कहने का मेरा मतलब है कि जब आप टिकटॉक की कम्युनिटी के ख़िलाफ़ चलेंगे तो टिकटॉक ज़रूर बैन हो जाती है। अभी वो कैमरामैन आपको दिखाया गया, एक भाई और आ रहे हैं, उससे पूछते हैं टिकटॉक बैन हुई है, वो चलाते थे या नहीं चलाते थे, तो पूछते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम भाई। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो भाई? ठीक हो? ठीक हूँ भाई। अच्छा, आप टिकटॉक यूज़ करते थे? नहीं। टिकटॉक बैन होती है तो क्या आप? वो तो चला गया, उसे पता नहीं जल्दी थी इसलिए वो चला गया। ठीक हो गया। तो खैर उसे कोई काम था अभी इस वक्त, और तो इस पार्क में कोई मौजूद नहीं है। तो ओके भाई, थैंक यू, खुदा हाफिज़, शुक्रिया।